गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे। आज बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, तो गाइस कल की बात है, आप लोग ये वीडियो जरा देखिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो पे जो आवाज़ आ रहा है गाइस, वो एक हाथी का आवाज़ है गाइस। तो क्या हुआ था, हमारे गांव में एक झुंड में हाथी सब आ चुके थे, और ये जो हाथी आए थे गाइस, अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पहाड़ है, इसी पहाड़ में है गाइस वो हाथी सब, और अभी छुपे हुए हैं और कुछ शाम के बाद हमारे गाँव की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हाथी क्या सच में है वहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस हम लोग वहाँ से जाएंगे, वहाँ पर छोटा सा रास्ता है तो वहाँ से जाने का कोशिश करेंगे। हमको हाथियों को नहीं मिलना है गाइस, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है, तो काफी खतरा हो सकता है गाइस। ये बहुत डर रहा है आगे जाने के लिए, और ये भी डर रहा है, पर हमारा मुन्ना भाई साहब बहुत हिम्मत वाला आदमी है, आगे आगे जा रहे हैं गाइस। डर तो लगेगा गाइस, क्योंकि हाथियों से नहीं भिड़ना है गाइस। अभी शांति शांति से चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। ऐसे बहुत रिस्की है, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, क्या पता आगे ही बैठा हूँ। गाइस हम लोग वहाँ से नीचे उतर गए, डर लग रहा था क्योंकि एक साउंड आया वहाँ पे खतरनाक वाला, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर। गाइस हम लोग वहाँ से चढ़ रहे थे और वहाँ पे जाते ही आवाज़ आने लगा, तो हम लोग डर गए और रुक गए। तो एक काम करते हैं, हम लोग उस तरफ से घूम के उधर से जाएंगे और वहाँ पे खड़े रहेंगे, ताकि हम लोग उस तरफ देख सकें क्लियरली कि क्या सच में कुछ है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस धीरे धीरे, पता नहीं गाइस, पर डर तो है थोड़ा थोड़ा अंदर। कोई नहीं, हम लोग को आवाज़ सुनाई दिया था वहाँ पे, हम लोग इस तरफ से होके उस तरफ जाएंगे और वहाँ पे खड़े रहेंगे। तो गाइस हम लोग आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग साउंड सुने गाइस वहाँ पे उस तरफ, पर शायद अभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। सर अब देख सकते हो गाइस कितना बड़ा वाला पहाड़ है, और यहाँ पे किसी ने शायद आग जलाया है, और हम लोग थोड़ा उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर देखो, उधर चलते हैं, देखेंगे अगर मिल गया तो सही है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस हम लोग दूसरा लोकेशन पे आ चुके हैं, वहाँ पे तो बात नहीं बना, बस उसी का ही हिस्सा है ये, इस तरफ पहाड़ जाता है तो ये छोटा सा रास्ता ही है, यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे और देखते हैं, मिलेंगे तो बताएंगे आपको। और ये हमारा प्रो भाई सब आगे जाते जाते हुए, इनको हाथी से डर नहीं लगता। गाइस हाथी से तो सब डर लगता है, पर हिम्मत जुटा के आगे जाना पड़ता है, और भाई हम तो सेफ चलते हैं इसलिए पीछे खड़े हैं। हमारे हिसाब से यही कहीं पर है एक्चुअली हाथी, हमने अभी कुछ ही टाइम पहले आवाज़ भी सुना था। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है, वो लोग झुंड में हैं, अगर अटैक कर लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को, इसलिए हम भी सावधानी बरत के आगे से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इन दोनों को देखो, संभल संभल के जा रहे हैं। गाइस जंगली हाथी होते हैं बहुत खतरनाक, इसलिए संभल के चलना पड़ता है। सूरज भी ढल चुका है गाइस, तो इसलिए लाइट थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर आप लोग बैर कीजिए।
ऐसे हम लोग बहुत टाइम तक ढूंढे, जंगल में भटकते रहे, पर हम लोगों को हाथी हाथी तो नहीं मिले, पर उनके कुछ अवशेष मिले वहाँ पे। तो इसलिए हम रात होने से पहले वापस नीचे उतर गए गाइस। One hour later. इसको देखो, हाथी नहीं मिला तो हाथी का साउंड लगा दे। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं, आप लोग मेरे पीछे वो पहाड़ से हम लोग नीचे आ गए, पर हाथी तो नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तब तक के लिए स्टे सेफ।